पिछले दो सप्ताह से इंदौर क्षेत्र पर मेहरबान बादलों के कारण सितंबर में इंदौर में होने वाली बारिश का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वर्ष 2009 से अब तक मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार सितंबर के 13 दिनों में करीब 12 इंच बारिश हो चुकी है। इसी के चलते जिले के सारे तालाब भर चुके हैं, किंतु अब यह बारिश आफत भी बनती जा रही है। क्षेत्र की फसलों को भी इससे भारी नुकसान हुआ है। बेटमा से सागौर पीतमपुर जाने वाले मार्ग के गांव बदीपुरा बालाजी में आने वाली रपट पर भी इतना पानी आ गया कि लोगों का उस पर से गुजरना बंद हो गया, लेकिन फिर भी बड़े वाहन आते जाते रहे। वहीं बेटमा क्षेत्र के ही ग्राम रणमल बिल्लोद में एक पुराना नीम का पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से व बिजली के तार के संपर्क में आने से लगे करंट में एक गाय की मौत हो गई। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई बच्चे या बड़े नहीं थे। तो वहीं बेटमा के मुख्य अंबेडकर चौराहे पर भी एक पुराने पेड़ के गिरने से उस समय वहां से गुजर रही पिकअप गाड़ी के शीशे टूट गए। यहां भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इस पेड़ के बारे में कई बार SDM को शिकायत की जा चुकी है, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।